ग्वालियर के शिवाजी विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रदर्शन किया। पीएससी थर्ड ईयर की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र नेताओं ने कुलपति अविनाश तिवारी को चेतावनी दी है। देखिए खास रिपोर्ट। एबीवीपी ने मांग की है कि छात्रों के रिजल्ट में सुधार किए जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम आपको बता दें कि बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम के फाउंडेशन पेपर में गड़बड़ी होने के बाद पीड़ित छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से इसकी शिकायत की, लेकिन इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकला तो एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया। आज कुछ छात्र एबीवीपी के बैनर के साथ जो है शिवाजी विश्वविद्यालय में आए हैं और उन्होंने बीएससी के फाउंडेशन कोर्स के बारे में जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में विश्वविद्यालय को अवगत कराया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी कारणवश यह प्रश्न पत्र को रिवाइज किया गया था, बहुत ही अपरिहार्य कारण थे और रिवाइज करने की वजह से हमने एक दूसरा प्रश्न पत्र बना करके और इस सेंटर पर भेज दिया था और यह प्रश्न पत्र हमने 14 तारीख को ही भेज दिया था इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि कृपया जो आपके पास पहले से रखा हुआ प्रश्न पत्र है उसको निरस्त माने और यह जो हम नया प्रश्न पत्र आपको दे रहे हैं इसको 16 तारीख को इस्तेमाल करें। परंतु ऐसा अवगत हुआ है कि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया और पुराने प्रश्न पत्र से ही जो है इम्तहान करा लिए गए। चूँकि ये इम्तहान OMR बेस्ड होता है इसलिए जब वैल्यूएशन के लिए गया तो अधिकांश छात्र उसमें फेल थे और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि प्रश्न के उत्तर जो थे वो बिल्कुल ही इलॉजिकल थे तो उसका कारण सिर्फ ये है कि प्रश्न पत्र अगर अलग है और कुंजी अलग है तो दोनों में समानता होगी ही नहीं, सारे के सारे उत्तर गलत होंगे, इसीलिए अधिकांश छात्र फेल हुए। दरअसल बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम के फाउंडेशन के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई जिसकी यूनिवर्सिटी प्रबंधन से शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो एबीवीपी ने इसे मुद्दा बना लिया और प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ समय पूर्व थर्ड ईयर का रिजल्ट घोषित किया है। रिजल्ट घोषित करने के बाद में कई महाविद्यालय संभाग के ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी 100% फेल हुआ है। अब जब ये विश्वविद्यालय में ये जब बात आती है, महाविद्यालय स्तर पर जब ये मांग उठती है तो विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ा होकर सभी महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे चयनित विद्यार्थी जो लगभग 2 वर्ष से टॉप कर रहे थे ऐसे विद्यार्थी फेल होते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थी परिषद की तरफ से वो सामान्य विद्यार्थी एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन अंक सूची उनकी पहुँचाता है महाविद्यालय में। अंक सूची में 70 में से 70 से अधिक प्रश्न गलत हैं, आंसर शीट गलत बनी हुई है। जो प्रश्न पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन मातृ दिवस कहता है कि पूरा देश तो युवा दिवस के रूप में मना रहा है, ये मातृ दिवस मना रहे हैं। जो मोहनचंद करमचंद्र गांधी जो उनके पिताजी का नाम है महात्मा गांधी के, विश्वविद्यालय प्रशासन मोहनलाल उनको बता रहा है। ऐसे कई प्रश्न सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश में है उसको उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसके आंसर शीट विश्वविद्यालय द्वारा गलत बने हुए और बच्चा थर्ड ईयर में। विद्यार्थी परिषद ने इसके पूर्व में जिस महाविद्यालय अशोकनगर में जैसे गड़बड़ी पाए गए विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य को ज्ञापन कुलपति के नाम जी सौंपा है, साथ ही उसके बाद में वहाँ पर रोल नंबर सहित सूची पहुँचाई है कि ये छात्र ऐसे हैं जो फर्स्ट करते आए हैं, उसके बावजूद भी आपने फेल कराए, आप एक बार पूर्ण इनका ध्यान दें। तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कदम उठाया, आंसर शीट भी पहुँचे, लेकिन आंसर शीट ही गलत बनी हुई है। तो अब आंसर शीट जो बनी है, जो आपके प्रशासन के किसी व्यक्ति ने आंसर शीट गलत बनाए, इसका दोष अब छात्र भुगत रहे हैं जो थर्ड ईयर में आ गए। आपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आज विश्वविद्यालय प्रशासन उनके साथ ऐसा कर रहा है, विद्यार्थी परिषद ने मांग करी है। कुल मिलाकर एबीवीपी ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर मैदान संभाल लिया है और यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी दी है। हालांकि यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी नर्सिंग कांड, MBBS डिग्री कांड जैसे कई मुद्दों पर NSUI भी प्रदर्शन कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।